हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, सुबह उठने के बाद आप लोग जब फ्रेश वगैरह हो जाते हो तो उसके बाद आप लोगों को मम्मी बोलती है कि बेटा दूध पी ले। अभी ये जो दूध होता है, मिल्क जो होता है, ओके, हमारे घर में आता है, लेकिन अभी इसके लिए काउ या बफेलो रियरिंग किया जाता है इसका, ओके। तो इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि इनका शेड कैसा होता है, ओके। इनकी वैक्सीनेशन की जाती है क्या? वैसे ही इनका इनके खाने का जो होता है, मतलब जो फूड होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। मतलब फार्मिंग के साथ हम दूसरा कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री भी हम कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के साथ। तो देखो, एनिमल हस्बेंड्री जो होती है उसके लिए एक तुम लोगों को ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? विजिट अ मॉडर्न काउ शेड नियर बाय, मतलब आप लोगों के घर के पास या आजू बाजू में या आप लोगों के गांव में अगर काउ शेड है तो उसको क्या करना है, आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। और कुछ इंफॉर्मेशन दिए गई है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग पॉइंट, कौन से पॉइंट रिकॉर्ड करना है, मतलब वहां कितने कैटल्स है, ओके। उसके बाद कौन कौन सी वेराइटी के कैटल को रेयरिंग किया गया है, उसके बाद कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है वहाँ, क्लीनलीनेस, मतलब जो शेड होता है ना, काउ शेड जिसको बोला जाता है, तो वहाँ क्लीनलीनेस मतलब कैसे रखा जाता है क्लीन उस शेड को, और हेल्थ के बारे में क्या अरेंजमेंट की गई है, ये पूरा आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और कुछ पॉइंट क्या करना है, आप लोगों को रिकॉर्ड करना है, ओके। अभी ख्याल में रखना कि आज का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इसलिए तुम लोगों को इस वीडियो को आगे तक देखना है, ओके। तो चलो, इन इंडिया एनिमल हस्बेंड्री इज प्रैक्टिस फॉर मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए काउ या बफेलोस क्या किए जाते हैं, रेज किए जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही नहीं, तो कैटल आर हेल्प इन फार्मिंग ऑपरेशन, मतलब फार्मिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो उसके लिए बुल्स या बफेलो, मेल बफेलो होते हैं ना, विच आर यूज फॉर पुलिंग द हेवी लोड्स, उनका यूज किया जाता है। अभी लोकल इंडियन जो वेराइटी है काउ की, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ख्याल से देखना, और आप लोगों को इसके नाम भी ख्याल में रखना है, ओके। पहली वेराइटी है लोकल वेराइटी, ओके, ख्याल में रखना, शहीवाल। उसके बाद है सिंधी, देन गिर, देन लाल कंधारी, देवनी, खिल्लारी और डांगी। ये जो है ना, ये वेराइटी जो दिख रही है, ये डांगी है। तो ये लोकल इंडियन वेराइटी है किसकी, काऊ की। अभी कुछ एग्जॉटिक वेराइटी, अब एग्जॉटिक मतलब हमारे तरफ की नहीं है, तो उसके नाम क्या है, जैसे ब्राउन स्विस एक नाम है, उसके बाद है जर्सी, उसके बाद है होस्टन, ये पूरी एग्जॉटिक वेराइटी है काऊ की। अभी देखो, प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज नेसेसरी, जैसे हम हमारी केयर लेते हैं ना, वैसे ही कैटल केयर भी क्या है, बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, क्लीन और हाई यील्ड प्रोडक्शन करने के लिए कैटल की प्रॉपर देखभाल भी क्या है, बहुत जरूरी है। अब प्रॉपर केयर लेना मतलब क्या, तो पहला पॉइंट है कि बैलेंस डाइट होना जरूरी है। अभी देखो, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर्स, ये हम सब लेते हैं, वैसे ही कैटल को भी बैलेंस डाइट चाहिए। अब बैलेंस डाइट मतलब क्या, इट इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप, मतलब फूड ग्रुप मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सभी इनको क्या चाहिए, इनके खाने में इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने क्या खाना चाहिए, क्या देना चाहिए उनको, तो इट इंक्लूड, जैसे उनको फाइबर रिच कोर्स फूड चाहिए, उसके बाद फोडर चाहिए, और सफिशियंट क्लीन वाटर भी देना क्या है, बहुत जरूरी है, ये बैलेंस फूड में आ जाएगा। अभी प्रॉपर केयर में सिर्फ फूड जरूरी नहीं है, तो जो शेड होता है जहाँ उनको रखा जाता है, द कैस्टल शेड शुड बी क्लीन, जैसे हम हमारे घर को देखो से क्लीन रखते हैं, अगर बहुत सारा कचरा पड़ा है तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो वैसे ही काउ शेड को भी क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और क्लीनलीनेस की वजह से क्या होगा, अच्छा उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और उसके साथ ड्राइव विथ प्रॉपर
वेंटिलेशन एंड रूम, मतलब वेंटिलेशन भी होना जरूरी है इसकी चीज के लिए, एयर भी वहाँ शेड में रहने के लिए। उसके बाद है थर्ड है कैटल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड, जैसे हमें वैक्सीनेशन किया जाता है, आप लोगों को भी देखो छोटे से ना तो आप लोगों का भी वैक्सीनेशन किया गया है, वैसे ही कैटल का भी किया जाता है। क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन किया जाता है उनके गुड हेल्थ के लिए, मतलब इनकी इम्यूनिटी, जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है ना, हमारे ऊपर फिर डिसीज मतलब माइक्रोब्स अटैक नहीं कर सकते, वैसे उनका भी वैक्सीनेशन कराया जाना बहुत जरूरी है। और फाइंड आउट में क्या है, व्हाट इज मीन बाय व्हाइट रिवॉल्यूशन? अब व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब क्या, तो देखो दिस वन इज रिलेटेड टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दैट इज इन इंडिया इन 1970 में नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्टेड अ प्रोग्राम जिसको ऑपरेशन फ्लड बोला गया था, विच इज रिलेटेड टू मिल्क। ओके, अभी इसको शॉर्ट में NDDB भी बोला जाता है। ओके, अभी इसका मेन एम क्या था, द एंटायर नेशन विल बी कवर्ड बाय मिल्क ग्रिड टू मेक मिल्क अवेलेबल प्लेंटी, मतलब बहुत सारा जो मिल्क हर इंसान के पास मिल्क पहुंचना चाहिए और मिल्क के प्रोडक्ट भी पहुंचने चाहिए, जैसे बटर है, चीज है, ओके, घी, कर्ड, ये सब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है, और उसी को व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और ये ऑपरेशन जो फ्लड था इसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो है अमूल। अब अमूल क्या है, देखो आप लोगों ने अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट खाए हैं और देखे भी होंगे, तो अमूल का लॉन्ग फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो गुजरात में है। ओके, अब इसका पायनियर कौन है, हु वॉज इट्स पायनियर, तो देखो द चेयरमैन ऑफ एनडी डीबी एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम में प्रोफेसर वर्गीश खुरीद थे। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ओके, ये अमूल के तुम लोगों ने एक लोगो देखा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, एक बार और ख्याल में रखना कि अमूल का लॉन्ग फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, लेकिन अभी जो चेयरमैन है वो है वर्षा जोशी, ये भी नाम ख्याल में रखना। उसके बाद व्हाट बेनिफिट्स डिड इट ब्रिंग, अब इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या फायदे हैं, तो देखो इंडिया हैज बिकम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसी वजह से हमारे यहाँ देखो मिल्क प्रोडक्ट के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। अभी तुम लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है किस चीज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो ये इंफॉर्मेशन आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट से। ओके, तो फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट एवरेज डेली मिल्क यील्ड, मतलब जो लोकल वेराइटी है काउ की या एक्सॉटिक वेराइटी है, कितना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वन डे, पर डे में। तो पहला हम देखते हैं मिल्क यील्ड फ्रॉम लोकल काउ, दैट इज 12 to 15 लीटर पर डे। ओके, और एक्सॉटिक वेराइटी के जो मिल्क प्रोडक्शन होता है 15 to 30 लीटर्स पर डे, मतलब एक्सॉटिक वेराइटी जो होती है ना ये ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग एंड सेरिकल्चर, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।